नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जम्मू कश्मीर में अब उपराज्यपाल की शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। उन्हें अब दिल्ली के उपराज्यपाल जैसी शक्तियां दी गई हैं और उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। इस संशोधन के बाद अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल दिल्ली के LG की तरह अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे फैसले कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बड़ी शक्ति अब दिल्ली के LG जैसी पावर। कश्मीर का असल बॉस अब LG। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने की बात कही जा रही है और इससे पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करके उपराज्यपाल की शक्ति में बढ़ोतरी कर दी है। केंद्र सरकार ने पुलिस से लेकर सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों में उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए हैं। उनके काम करने का दायरा भी बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अब LG के प्रशासनिक भूमिका का दायरा बढ़ जाएगा। पुलिस कानून व्यवस्था में LG की राय अहम होगी। ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े मामलों में भी LG को ज्यादा अधिकार मिला है। महाधिवक्ता, कानून अधिकारियों की नियुक्ति और मुकदमा चलाने की अनुमति देने या इनकार करने का अधिकार होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो पर भी LG की राय जरूरी होगी। अहम प्रस्ताव LG को भेजेंगे चीफ सेक्रेटरी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया, जिसके बाद ये सारे अधिकार मिले हैं। धारा 55 में संशोधन कर दो पॉइंट्स को जोड़ा गया है। ये है 42A में कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति जरूरी है। तब तक स्वीकृत या अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा जब तक इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता है। वही 42B में अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या फिर अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। केंद्र के इस फैसले को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आलोचना की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनाव के लिए शर्त है। जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टैम्प CM से बेहतर के हकदार हैं। मैं BJP नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM कविंदर गुप्ता ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशासनिक मशीनरी ठीक से काम करेगी। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इन्हांस किया गया है। IAS अधिकारी, IPS अधिकारी तथा जुडिशरी जिसमें तहसीलदार, SDMs वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती हैं। तो उसी के मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज को किया है। तो आने वाले समय में ठीक प्रकार से यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो पाए। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास दिल्ली के LG की तरह शक्तियाँ हैं। दिल्ली में जिस तरह से LG को कई शक्तियाँ हैं, उसी तरह से अब जम्मू कश्मीर में भी LG को कई अधिकार होंगे। दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र के पास है, जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था पर फैसला LG लेंगे। दोनों ही जगहों पर IAS ट्रांसफर का हक LG के पास है और दोनों ही जगहों पर चीफ सेक्रेटरी अब LG को रिपोर्ट करते हैं। सभी कानूनों को LG की हरी झंडी दिल्ली में जरूरी है। वहीं जम्मू कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी LG को भेजेंगे प्रस्ताव। आपको बता दें, 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया था।
इसके अलावा पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। इसमें से लद्दाख में विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा रद्द करने, 2019 में लद्दाख को अलग करने से पहले दिसंबर 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे। तब महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की गठबंधन सरकार थी। 10 साल बाद एक बार फिर से चुनाव की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।